एवरीवन, सो रिक्वायरमेंट्स जो थी, एक रिक्वायरमेंट्स आई हुई थी जो सऊदी अरब के लिए नहीं, कतर के लिए। सो कतर के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, अच्छी रिक्वायरमेंट्स हैं। और कतर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वेटर का वीज़ा था वेटर के लिए, क्योंकि वेटर में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं। बहुत से लोगों ने मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने काफ़ी मुझसे पूछा था कि वेटर के लिए अगर जॉब आए तो बताइएगा। तो कतर के लिए रिक्वायरमेंट्स है और आप जा सकते हैं इसमें कतर में। तो सैलरी अभी इसमें डिस्कस नहीं की गई है, लेकिन अच्छी कंपनी का वीज़ा है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स है और डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर अप्लाई, अब मैंने वीज़ा फ्लैश कर दिया, अगर आप जब भी अप्लाई करें तो उसमें सब्जेक्ट लाइन में FGIT ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स है बाइक एजेंसीज़ के लिए। तो एजेंसीज़ की रिक्वायरमेंट्स है, डायरेक्ट उनको पता चल जाए कि आपने किस आईडी के लिए आपने अप्लाई करा है, मतलब किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करा है। तो FGIT मेंशन करना बिल्कुल मत भूलें, वो बहुत ही मैंडेटरी है। तब तक आप FGIT मेंशन करेंगे तब सिलेक्शन नहीं होगा आपका। सो आप अप्लाई कर सकते हैं कतर का वीज़ा के लिए। कतर का वीज़ा था, रिक्वायरमेंट अच्छी थी, मुझे लगा बता देना चाहिए, तो मैंने बता दिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब गुड बाय, टेक केयर, मेक श्योर डेट यू हैव सब्सक्राइब माई चैनल। सो मैं वीडियोज़ बहुत छोटी बनाता हूँ इस वजह से कि आप लोग पूरी देखा करें, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स जो होती है, मतलब फालतू की बात बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ रिक्वायरमेंट्स की बात होती है, जो वीज़े आते हैं उन्हीं की बात होती है। सो तो अप्लाई करें डायरेक्ट और डायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स मिलेगी। सो तो अगर हमने सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, और उन तक वीडियो ज़रूर शेयर करें, इनको इस वीडियो की ज़रूरत है। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में या रिश्तेदार में कहीं भी रिलेशन में कुछ भी किसी को वेटर की वीज़ा की ज़रूरत, तो इस तक ये वीडियो पहुँचाएँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर।